तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करेंगे पावर बीआई में, और पावर बीआई में हम बात करेंगे टेक्स्ट फंक्शन के ऊपर। जी हाँ, हमने लास्ट क्लासेस में हमने बात कर ली थी लॉजिकल फंक्शंस, इफ एंड और वगैरह के बारे में। आज हम बात करेंगे टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम एक डेटा लोड करते हैं। टेक्स्ट फंक्शन मतलब टेक्स्ट से जो कैलकुलेटर जो कैलकुलेटेड डेटा होता है उसको हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट फंक्शन की। तो यहाँ यूजर हमने डेल कर दिया, और हमने यहाँ पे ओके कि मेरे पास डेटा जो है वो इसमें नहीं है, इसमें है टेक्स्ट। जब हम टेक्स्ट डेटा लेते हैं तो उसमें टैब के हिसाब से जो डिलीमिटर के हिसाब से वो अपने आप को अलग कर देता है, लेकिन फिर भी इसमें से बहुत सारे पार्ट हमें अलग करने होंगे। इसे इसको हम लोड पे क्लिक करके ले जाते हैं, और यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। डेटा कुछ बड़ा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। सर रिकॉर्डिंग का परमिशन दीजिए ना। क्या बोल रहे हैं? ओके आपने दोबारा जो हाँ, यहाँ डेटा हमारा लोड हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम जाते अपने डेटा पे जाते हैं, और यहाँ पे मेरे पास तीन चार कॉलम है जिसमें एक यहाँ पे टैप ऑब्जेक्ट की दिख रहा है। इसमें जो हमारा डिपार्टमेंट होता है T12, तो हमारा डिपार्टमेंट कोड है T12, और ऐसे और भी हो सकते हैं। तो मुझे इसका डिपार्टमेंट आईडी अलग करना है, मतलब कि हमें लेफ्ट से चार कैरेक्टर को अलग करना है। तो न्यू कॉलम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, थोड़ा डेटा बहुत बुरा है, लेकिन ना इतना स्लो तो नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैं देता हूँ कॉलम का नाम, जो है कॉलम का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ लगाता हूँ फॉर्मूला लेफ्ट का, क्योंकि लेफ्ट से अलग करना है। कौन सा? तो टैप ऑब्जेक्ट की, और यहाँ पे हम देते हैं कितने नंबर करेक्टर लेना है, तो 4 करेक्टर लेना है। एंटर मारिए, आपका अलग हो जाएगा। ओके उसके बाद यहाँ पे जो आपका दिख रहा है बीच में यूजी, ये अंडर गारंटी है।
तो मुझे स्टेटस लेना है, जो स्टेटस जो है यूजी को लेना है, तो मैं एक और न्यू कॉलम ऐड करता हूँ। टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें यहाँ पर? काफी स्लो चल रहा है तुम्हें। अब इसमें हम यहाँ पर डालते हैं स्टेटस एसटी, और 20 का नंबर लाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मिड का। मिड ले लिए, किसी से करना है तो स्टैप ऑब्जेक्ट की में से करना है। पोजीशन क्या है तो हमने बोला चौथा पांचवा, छठे से पोजीशन है, छठे से दो नंबर लेके आना है। तो मिड फॉर्मूले में पहले देना होता है आपका टेक्स्ट, उसके बाद देना होता है कि आपका मिड स्टार्ट कहाँ से है। सिक्स नंबर कैरेक्टर से मीड स्टार्ट है, कैरेक्टर काउंट करके यहाँ पे देना होता है। उसके बाद आपको सिक्स नंबर से कितना डिजिट लेना है, हमने बोला टू डिजिट लेना है, और यहाँ देखिए टू डिजिट हमारा अलग हो गया, राइट। उसी तरीके से मान लीजिए राइट में जो टेन नंबर है, टेन डिजिट का नंबर है, ये मुझे लाल जो है इसको लेना है। तो हमने यहाँ पे वापस न्यू कॉलम किया, और यहाँ पे मुझे और मैंने यहाँ पे दे दिया आईडी, और यहाँ पे हमें करता हूँ राइट। राइट में मैं लेता हूँ स्टैप ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट की, और हमने बोला कि मुझे राइट से 10 डिजिट लेना है, फिर राइट से आपको 10 डिजिट दे देगा, ठीक है। बट छोटी सी एक प्रॉब्लम है इसमें, छोटी सी प्रॉब्लम क्या है इस चीज को जान लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि हमने जो अभी फॉर्मूला लगाया वो लगाया लेफ्ट का, हमने लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया, हमने मिड का फॉर्मूला लगाया, हमने राइट का फॉर्मूला लगाया। तो इसमें क्या है कि हमें पता था इसलिए हमने लगा लिया कि हाँ इतना डिजिट इतना डिजिट इतना डिजिट है। लेकिन अगर मुझे पता ना हो तो, जैसे कि ये है हमारा ग्लोबल आईडी है, अब ग्लोबल आईडी में मुझे डैश से पहले वाला डिजिट है वो लेना है। अब ये जो आईडी है हो सकता है कि 10 का हो सकता है 20 का हो सकता है 50 का हो सकता हो 500 का हो। तो मैं यहाँ कॉलन न्यू कॉलन पे आता हूँ और यहाँ पे बीट आईडी कर दिया, और फिर यहाँ पे मैं देता हूँ फॉर्मूला लेफ्ट का। लेकिन लेफ्ट का फॉर्मूला से पहले हमें फॉर्मूला लगाना होता है, वो लगाना होता है फाइंड, फाइंड या सर्च दोनों होता है। इसमें हमने बोला डैश किया और हमने कॉमा किया, इसमें ग्लोबल आईडी, और हमने यहाँ पे बोला स्टार्टिंग से करना है। ये फाइंड फॉर्मूला क्या करेगा, इस आईडी में से ये ढूंढ के बताएगा कि कितने नंबर ऑफ डिजिट पे हमारा डैश है। फिर मैं इसी में लेफ्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा और बोलूंगा कि ग्लोबल आईडी जो है उसमें से -1 कर दो,
आ गया। लेकिन प्रॉब्लम है कि इसने साइड में जो है ये कर्ली ब्रैकेट को भी ले लिया हुआ है। अब ये कर्ली ब्रैकेट को कैसे किया जाए, मैं ये नहीं चाहिए हमें। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इस फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले के अंदर में डालें, और सब्स्टिट्यूट को हमने बोला कि इसमें से ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट को ब्लैंक से रिमूव कर दें। तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट में से किसी पर्टिकुलर करेक्टर या वर्ड को किसी अनदर करेक्टर या वर्ड से रिप्लेस कर देता है। इम्तियाज जी, अंकित जी, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि दूसरा तरीका क्या था। तो पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या था? नोट ना, दो तरीके हैं इसको अलग करने के। तो दूसरा अगर हम सब्स्टिट्यूट से ना करते हैं, सब्स्टिट्यूट डिलीट कर देता हूं यहाँ पर, तो मैं कॉमा लगाऊंगा इसमें राइट का। अलग कॉलम में करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मैं एक नया कॉलम ऐड करता हूँ। बहुत स्लो हो रहा है कॉलम ऐड करने में। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक नाम के दो टेबल नहीं हो सकते ना हम। तो यहां पे हम करेंगे फॉर्मूला लेफ्ट, इसमें राइट का, राइट राइट फॉर्मूला में डालेंगे जीआईडी। तो हम बोलेंगे कि कितना चाहिए, तो हमने बोला इसकी कंप्लीट लेन में जीआईडी डाल दीजिए, उसमें से माइनस वन। ठीक है, हमने बोला कि भाई लेफ्ट राइट से, मतलब कि राइट से डेटा को लें, राइट से डेटा को लें और उतना ही डेटा ले, कितना ले, जितना इसकी लेंथ है उससे कम। ठीक है सर। आया इम्तियाज जी आपको? जी सर आया सर।
हमने आपको तीन चीजें बताई, पहला बताया फॉर्मूला, बताया सबसे पहले हमने आपको लेफ्ट का, देन बताया मिड का, देन बताया राइट का, उसके बाद हमने बात की फाइंड फॉर्मूले की, और फिर हमने बताया आपको सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला, और उसके बाद फिर हमने लेन के बारे में बात की, और हमने बताया कि किस तरह से हम ऑटोमेट कर सकते हैं किसी में से अगर कोई पर्टिकुलर नंबर को अलग करना हो और हमें उसका ये ना पता हो कि कितने करेक्टर से अलग करना है, लेकिन एक इनिशियल हो कि हाँ इतना डिजिट से अलग करना है, इतने डिजिट से नहीं अलग करना है, उस केस में हम इसका यूज करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन समझ में आ गया कि कैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे? हेलो जी सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ज्वाइंट का, जब मान लीजिए डिपार्टमेंट और आईडी और एससी तीनों को ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे? सर अगर मिड से कुछ उठाना है सर, तो फिर उसके लिए तो फिर मिड का फॉर्मूला बताया ना आपको मैंने। नहीं वो तो नॉर्मल था सर, जैसे ग्लोबल आईडी में से उठाना हो कुछ मिड में। अब क्या दिक्कत है, उठा सकते हैं, मिड है, फाइंड है आपके पास, नंबर ऑफ पोजीशन पता करना होना चाहिए, अगर नंबर ऑफ पोजीशन पता नहीं है तो आपको पता करना पड़ेगा या फाइंड सर्च से कर सकते हैं। जी हाँ जी ओके। इम्तियाज जी आया तो मैं सर? जी सर बिल्कुल आया। डेटा काफी बड़ा ले लिया हूँ इसलिए थोड़ा सा हैंग हो रहा है। काफी है हाँ, तो मैं बात कर रहा था ज्वाइन का। जैसे मैं यहाँ पे एक न्यू आईडी करता हूँ, न्यू आईडी, और इसके बाद अब मैं करता हूँ यहाँ पे कि एसपी के साथ कॉन्कटा नेट, हमने बोला डैश इससे एंड परसेंट लगा सकते हैं डैश, और हमने यहाँ पे दे दिया की आईडी और हम यहाँ पे इंटर मारते हैं, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। एन परसेंट क्या करता है, दो को ज्वाइन करता है अपने। देखिए ज्वाइन में भी एक तरीका है, एक मिनट जाइए मैं एक नया एरी इसमें फोकस में जाता हूँ, एरी डेटा पे आता हूँ, एन का डेटा सॉरी, मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ और यहाँ पे मैं टाइम डालता हूँ और यहाँ पे मैं मेन डालता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम आते हैं, डेट हो गया एक एक 2020, टाइम हो गया 10:20, नेम हो गया पूजा, तो यहाँ पे डेट हो गया 2+2020, टाइम हो गया 11:30, नेम हो गया नीरज। तीन ऐड करता हूँ ज़्यादा नहीं, 1/6 और इसको डिलीट करके हमने यहाँ पे डीडी के नाम से ऐड करता हूँ। आज स्लो चल रहा है सिस्टम, बस ये स्टार्ट किया है फिर भी। काफी ज्यादा टाइम दे रहा है, ओके मैं इसको बंद करता हूं और डीडी पे जाता हूं।
अब यहाँ पे मैं एक न्यू कॉलम ऐड करता हूँ, तो न्यू टेबल ऐड हो गया, यहाँ पे न्यू कॉलम, न्यू कॉलम में मैं यहाँ पे देता हूँ, मान लीजिए मुझे डेट को, टाइम को, और मान लीजिए नेम और डेट को ऐड करना है, तो एन डी के नाम से बताते नेम एंड ऐड, तो हम क्या करेंगे, नेम और इसमें ऐड एन परसेंट लगाएंगे और करेंगे डेट, और डेट कौन सा है मुझे देख है, और हम इसको एंटर करते हैं, तो क्या होगा, इस तरह का फॉर्मेट आया, राइट सर। बट मुझे डेट को कोई और फॉर्मेट में चाहिए, मुझे इसको चाहिए, मतलब मुझे चाहिए डी डी एम एम वाई वाई के फॉर्मेट में, या फिर जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ आप जो है इसको फॉर्मेट के अंदर में डाल सकते हैं, इस फॉर्मेट, और मैंने यहाँ पे बोला एम 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 एन वाई वाई, इस तरह का फॉर्मेट हमने डाल दिया, तो डी डी एम एम वाई वाई उस हिसाब से, इस हिसाब से आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और इसमें मैं एक काम करता हूँ, एक बार डैश लगा देता हूँ, यहाँ देखिए डैश आ गया ना, तो डेट को या टाइम को या किसी भी नंबर को भी अगर आप कॉन्केट करते हो और उसमें आप चाहते हो कि आपके हिसाब से हो, उसका यूज कर सकते हो। अगर जैसे मान लीजिए टाइम को ही ऐड करना हमें, तो यहाँ पे हम टी एन कर देते हैं और कहते हैं टाइम या ऐड करते हैं टाइम, तो टाइम फॉर्मूला नहीं टाइम, हाँ, और इसके साथ हम एन परसेंट लगाते हैं मान लीजिए नेम, तो क्या ऐड होगा, ये ऐड हुआ सर। देखिए टाइम भी मेरे हिसाब से आना चाहिए, एम पी एम और मिनट सेकेंड भी आ गया, ये सब नहीं आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइम को भी फॉर्मेट में डालूंगा, फॉर्मेट, और फिर इसको यहाँ कॉमा, हम यहाँ करते हैं एच एच स्लैश एम एम, और फिर एन परसेंट करते हैं, तो देखिए आ गया। लेकिन आप स्पेस भी चाहते हैं तो यहाँ पे स्पेस दे दीजिएगा, ये आपको देखिए 20 और पूजा के बीच में स्पेस दे देगा, या डैश या स्लैश जो भी देना चाहते हो आप यहाँ दे सकते हो। ओके सर, तो नीरज जी, इम्तियाज जी, सारा जी, समझ में आया आपको, सर। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में हम इससे आगे की चीजों पे बात करेंगे। ओके, फाइंड को, सब को और मिड लेफ्ट साइड को अच्छे तरीके से आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, अलग अलग डेटा पे, अलग अलग कंडीशंस पे, डेट पे, फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कीजिएगा। ओके, बाय।